नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया भल्ला आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रिया भल्ला द ऑप्टिमिस्ट में। आने वाला 24 जनवरी का दिन यानी कि शुक्रवार, ये कोई आम दिन नहीं है, ये कोई नॉर्मल सा दिन नहीं है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एनर्जीज लेकर आ रहा है ये दिन, क्योंकि इस दिन हमारे न्यायप्रिय, हमारे न्याय के देवता शनि देवता अपनी ही राशि में 30 साल बाद एंटर कर रहे हैं। अब आप सोचिए, शनि देवता अपनी राशि में और मकर राशि में ही सूर्य देवता भी विराजमान है, पुत्र और पिता दोनों एक ही राशि में। अभी शनि देवता जो अपनी राशि में आ रहे हैं मकर राशि में, वो 2.5 साल तक इस राशि में रहेंगे। तो आप सोचिए, ये जो न्याय प्रिय, ये जो दंड नायक हमारे, जो प्रिय हमारे शनि देवता हैं, वो क्या करते हैं जब उनको ये सामने कोई गलत काम करता है, किसी के गलत कर्म है, बुरे कर्म है, पास्ट लाइफ से आपके कोई गलत कर्म चलते आ रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा? डेफिनेटली हमारा टाइम पीरियड थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। शनि देवता है, न्याय के देवता हैं, आप जानते हैं, साढ़ सती चल रही हो, किसी की ढैया चल रही हो, तो क्या चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम लेकर आती हैं। मैं प्रिया भल्ला यही चाहती हूँ, जो आपकी सारथी कहलाई जाती हूँ, आपकी दोस्त कहलाई जाती हूँ, आपकी माँ कहलाई जाती हूँ, या आप मुझे छोटी बहन के नाम से जानते हैं, बड़ी बड़ी बहन के नाम से बुलाते हैं, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हर के घर में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि आए और जो भी आपके सपने हैं सारे पूरे हों। लेकिन फ्रेंड्स, 24 जनवरी से टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगी रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वक्त अच्छा रहे, शनि देवता अपनी राशि में आ रहे हैं और हमारा वक्त बदल जाए, कुछ चमत्कार हो जाए हमारे जीवन में, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं, तो कुछ ऐसे उपाय लेकर आ रही हूँ, अगर आप इनको करेंगे तो आई कैन गिव यू इन रिटर्न कि आपके ऊपर शनि देवता की कृपा रहेगी। यस, शनि देवता जिन्होंने शिव की भक्ति करी और जिनको दंड नायक के नाम से उनको एक जॉब असाइन करी गई, शिवजी ने उनको ये जॉब असाइन करी कि अब जो भी जीवन में, किसी के भी जीवन में तुम न्याय देना होगा तो वो तुम दोगे शनि। अगर मैंने और आपने कोई बुरे कर्म किए हैं तो शनि देवता फल देने के लिए आ रहे हैं, और अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो वो हमें अच्छे सुख देने आ रहे हैं। अब हमें नहीं पता हमारे पुनर्जन्म क्या थे, हमारे कर्म क्या थे, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमारे शनि देवता, हमारे शिवजी, हमारे शनि देवता हमसे खुश हो जाएं। अब वो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको जरूर करनी है? 2.5 साल शनि देवता मकर राशि में रहेंगे, अपनी ही राशि में। तो बात करती हूं आने वाले 2.5 साल की। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको इस राशि के अंदर शनि देवता बहुत सुकून देंगे, इस राशि को बर्बाद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छे कर्म के कारण आपको अच्छे फल मिलेंगे, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल मिलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे दान पुण्य करते हैं ये 2.5 साल जो कि शनि देवता हमारी मकर राशि में है, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बदलाव होगा। तो बात करते हैं हमें करना क्या है। 24 जनवरी के दिन हमें शाम को 7 बजे के बाद कुछ चीजों का दान करना बेहद जरूरी है, जिसके अंदर आती है 7 काली छतरी, ब्लैक कलर की अम्ब्रेला 7, आपको 7 पीसेस लेने हैं, ओके? या फिर आपको ब्लैक कलर के मफलर दान करने हैं 7, या फिर आपको कोई कैप आप दान कर सकते हैं, जिसको हम सर्दियों में टोपियां पहनते हैं वो आप दान कर सकते हैं। 700 ग्राम उड़द की दाल को आप दान कर सकते हैं, 700 ग्राम चाय की पत्ती को दान कर सकते हैं, 700 ग्राम काले तिल दान कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से शनि देवता से रिलेटेड कोई भी चीज़ें दान कर सकते हैं, वो भी 7 in number। 7 तरीके के आप चीज़ें करेंगे, 7 अलग अलग तरीके के कंबल ले लीजिए काले, वो आप दान करिए। अब आती है बात कि आपको उस दिन मंदिर में जाके क्या करना है। एक आपको बहुत ही यूजफुल और बहुत ही पावरफुल टोटका बताती हूँ, हर शनिवार कर सकते हैं आप ये 2.5 साल तक।
एटलीस्ट 7 शनिवार आप जरूर करिए और आप देखिए कि ये 2.5 साल आपके जीवन में कितना पॉजिटिव बदलाव लेकर आते हैं। आपकी सारी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है, आपके बच्चे बहुत ज्यादा राइज करेंगे 2.5 साल अगर आप शनि देवता को प्रसन्न करते हैं तो। अब आपको करना क्या है, शनि देवता के मंदिर जाना है 24 जनवरी की रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब मर्जी। वहां जाके आपको 7 बाती लेनी है दियों के अंदर। एक दिया लीजिए बड़ा और 7 बाती बना लीजिए कॉटन की, रुई की। सरसों का तेल डालिए, थोड़ी सी काली उड़द लीजिए या 700 ग्राम काली उड़द लीजिए। काली उड़द को ले जाइए मंदिर के अंदर, शनि देवता के आगे एक 700 ग्राम काली उड़द को रख दीजिए। एक थोड़ा सा ढैया सी बना लीजिए, उसकी पहाड़ सा बना लीजिए और उसके ऊपर वो दिया रख दीजिए जिसमें 7 बाती हैं और सरसों का तेल है। ये दिया जला दीजिए और जलाने के बाद शनि देवता का सबसे प्रिय मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करिए। रुद्राक्ष की माला के ऊपर 7 बारी ये माला का जाप कर लीजिए इस मंत्रा से। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर लीजिए, 7 माला कर लीजिए रुद्राक्ष की माला पे। अगर नहीं है रुद्राक्ष की माला तो अपनी उंगलियों पे कर लीजिए 7 माला। मंदिर में किसी भी कोने पे जाके बैठ जाइए, शनि देवता को याद करके लीन होकर दिया जला चुके हैं आप, और इस मंत्र का जाप करिए 7 शनिवार लगातार करिए। 24 जनवरी की रात को जरूर करिए। अपने बुरे कर्मों की माफी मांगिए शनि देवता से और आप मुझे बताइए 7 शनिवार करने के बाद कि आपके जीवन में क्या क्या पॉजिटिव बदलाव आए, क्या क्या सकारात्मक चीजें आपके जीवन में आई, क्या क्या बदलाव आए आपके जीवन में और आपने कितनी तरक्की करी। मैं आपकी दोस्त हूं, मैं आपकी सारथी हूं, मैं आपकी छोटी बहन हूं, आपकी माँ हूं, जो भी आप मानिए, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि ये जो मैंने आपको एक सबसे बड़ा उपाय बताया है शनि देवता का और मैंने आपको सबसे बड़ा दान बताया है शनि देवता का जो आप हर शनिवार कर सकते हैं, इस मंत्र को नीचे टाइप करिए वीडियो के, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का नीचे 7 बारी जरूर लिखिए। मैं भी प्रे करूंगी आपके लिए शनि मंदिर में जाकर, मैं भी अपनी पूजा पाठ में आपके नाम को याद रखूंगी। जो भी मैं 24 जनवरी को पाठ कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, उसमें आपको भी याद रखूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हमेशा इतना प्यार देने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ये भी एक पुण्य है जो शनि भगवान को अति प्रिय है। जितना इस वीडियो को आप शेयर करेंगे शनि देवता उतने प्रसन्न होंगे हमसे। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप अपने अपनों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ, मैं ईश्वर से विनती करती हूँ कि आपके घर में शनि देवता हमेशा सुखों की वर्षा करें, हमेशा आपके घरों में सुख सुख चैन रहे, समृद्धि रहे, अच्छी सेहत रहे, बच्चे आपका मान सम्मान करें, बड़े बुजुर्ग आपको प्यार करें, आप सबको प्यार दें और ईश्वर आपको और आपका हर सपना पूरा करें। थैंक यू सो मच।